Hi, welcome to Princess Delight on YouTube channel. Hope you all are taking good care of yourself. हम भी यहाँ सब ठीक हैं. आप सबको ईद मुबारक. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन अचारी की रेसिपी. मटन अचारी बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है. तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स. आधी टीस्पून मेथी के दाने और सरसों के दाने, एक टीस्पून सौंफ, जीरा, धनिया और कलौंजी के दाने लीजिए. गरम तवे पे धीमी आंच पे इसे आप 20 सेकेंड सेक के लीजिए. ठंडा करके आप मिक्सर जार में डालें और इसका एक फाइन पाउडर बना लें. आप चाहे तो अचारी मसाले को छान के भी ले सकते हैं. आधा किलो मटन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम दही और इसमें डाले हमने जो अचारी का मसाला तैयार किया है पाउडर फॉर्म में, उसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें. आप चाहें तो मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे रखें या फिर इसे तुरंत ही बना सकते हैं. मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा है गैस और मैंने यहाँ पे डाले हैं 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 बारीक कटी हुई प्याज. 2 मिनट आप फ्राई करें जब तक प्याज लाइट गोल्डन कलर के ना हो जाए. जैसे ही गोल्डन कलर के हो जाएंगे उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक इसे फ्राई करें. अब आप इसमें डालें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर. टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट के डालें और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है. तो देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं. अब आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और नमक अपने स्वाद अनुसार डालें और इसमें डालें मैरिनेट किया हुआ मटन के पीसेस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें. मटन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक उबाल आने तक आप मटन को बिना पानी डाले पकाएं. अब जब एक उबाल आ जाए उसके बाद जिस बर्तन में हमने मैरिनेट किया था उसमें डालें 1 ग्लास पानी और जो मैरिनेट किया हुआ मसाला है उसको फिर से मिक्स करके आप मैरिनेट किए हुए मसाले के साथ पानी इसमें डालें. 1 ग्लास हमने पानी अभी डाल दिया और इसमें 1 ग्लास पानी और डालें तो टोटल 2 ग्लास पानी आप डालें. कुकर को बंद करें और 5 सीटी 15 से 20 मिनट में आ जाएगी. मीडियम हीट पे पकाएं. कुकर पूरी तरह से ठंडा हो जाए उसके बाद ही खोलें. देखिए अच्छी तरह से मटन हमारे पक चुके हैं. अब चेक कर लें स्टेज पे कि मटन अच्छे से पके हैं कि नहीं. तो ये मटन अच्छी तरह से पक चुके हैं. अब मैं इसे सर्विंग बाउल पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं. तो हमारे मटन अचारी बन के रेडी हो चुके हैं. इसे गार्निश करें लंबे पतले कटे हुए अदरक के टुकड़ों के साथ, कसूरी मेथी के साथ, हरी मिर्च को छोटे बारीक टुकड़ों में काट लें और धनिया पत्ती के साथ. देखिए कितने कलरफुल लग रहे हैं. तो हमारा जो मटन अचारी है वो पराठे के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है और आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं. और ये जब आप राइस के साथ जब आप इसे खाते हो तो ये जो ग्रेवी है वो राइस में इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है और जब आप उसकी बाइट लोगे तो आपको इतने सारे फ्लेवर्स मिलेंगे. देखिए राइस और ग्रेवी का जो मिक्स है बहुत डिलीशियस लगता है. मटन अचारी की ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करें. मेरी ये रेसिपी यकीनन आपकी भी फेवरेट हो जाएगी. आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं, ये इतनी ही डिलीशियस लगती है. मटन अचारी घर पर बनाने के बाद कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी. यदि आपको मटन अचारी की रेसिपी पसंद आए तो आप घर पर जरूर ट्राई करें और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें. आप मेरे बाकी के वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करें. थैंक यू.